तो गाइस नाउ टॉपिक इज टेम्परेचर कन्वर्जेंस। टेम्परेचर कन्वर्जेंस का एक फॉर्मूला होता है, अगर वो हमें याद रहे तो हम कभी भी टेम्परेचर कन्वर्जन करना नहीं भूलते हैं। इसका फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है, इसे समझते हैं फॉर्मूला बनता कैसे है। हमें पता है ये डिग्री सेल्सियस है, ये फेरनहाइट है, ये केल्विन है और ये ज्यूमर है। तो डिग्री सेल्सियस की रेंज क्या होती है, वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज होती है डिग्री सेल्सियस की। फेरनहाइट की रेंज होती है 32 डिग्री फेरनहाइट से 212 डिग्री फेरनहाइट तक, और केल्विन की रेंज होती है 273 केल्विन से 373 केल्विन तक की, और ज्यूमर की रेंज होती है 0 से 80 ज्यूमर तक की। इसका क्या, इसे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, देखिए गाइस ये इसकी रेंज है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस सेल्सियस माइनस जीरो, इसे आपस में माइनस कर देंगे और इन दोनों का डिफरेंस इसके डिवाइजन में लिख देंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 100। फेरनहाइट में देखिए F-32 और इन दोनों का डिफरेंस होता है 180 डिग्री 180 फेरनहाइट। तो F-32/180 इक्वल टू केल्विन में भी ऐसे किया, केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस होगा 100, यानी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 100। और ज्यूमर में भी ऐसे किया 0 R-0/80। इन सबको देखते हैं किससे डिवाइड हो सकते हैं, देखिए 100 180 100 और 80, ये सभी 20 से डिवीजन हो जाएंगे। 100 जो है 20 से 5 बार डिवीजन हो जाएगा, 180 भी 9 बार डिवीजन हो जाएगा, और 100 भी 5 बार हो जाएगा और 84 बार। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू 0, हमें लिखनी नहीं है, F-32/9 = K-273/5 = R/4। ये इसका मेन फॉर्मूला है जो हमें हमेशा याद रहे, तो हम कभी भी कोई भी डिग्री सेल्सियस आपस में चेंज कर सकते हैं, केल्विन टू सेल्सियस में कर सकते हैं, सेल्सियस को फेरनहाइट में कर सकते हैं, फेरनहाइट को रूमर में भी चेंज कर सकते हैं, ये सब आपस में इक्वल है। गाइस देखिए इसका एग्जांपल लिया है मैंने, एग्जांपल लेने की वैसे जरूरत नहीं थी, फिर भी एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। अगर हमें 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो बस सेल्सियस में 20 डिग्री रख देंगे और इन दोनों को आपस में फॉर्मूले से प्लस माइनस करके इससे केल्विन निकल जाएगा 293 केल्विन। देखिए कैसे निकाला मैंने, ये बस सेल्सियस की जगह 20 रख दिया, के माइनस 273 ये इधर पहुंच गया और फिर आप इधर आकर ऐड हो गया, तो इक्वल टू 293 केल्विन हो गया। अगर हमें एक एग्जांपल लिया है कि 10 फेरनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है, तो इन दोनों को आपस में देख लेते कैसे हो जाएगा, बस फेरनहाइट की जगह 10 रख दिया है और बाकी सेल्सियस ऐसे रहने दिया, उधर पहुंचा दिया ये और ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 100 110/9 - 100/10/9 तो C = -12.22 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस निकल गया। देखिए C = सेल्सियस फेरनहाइट ज्यूमर केल्विन, इसकी रेंज यही है जो हमें हमेशा याद रखनी है, ताकि हम इस फॉर्मूले को कभी भूलें ना। थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।